हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस हम लोगों का एक न्यू चैप्टर विच इज नोन एज मैट्रिसेस। जैसा मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में बताया था कि हम लोग पहले कॉमन पोर्शन को करेंगे जो हमारे कोर और अप्लाइड में कॉमन है, तो उसी सिंक में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। पढ़ेंगे क्या होती है मैट्रिसेस, किस जगह पर इसका यूज़ होता है, थोड़ा सी बात हम उस पर करेंगे। और इस चैप्टर में आपको कौन कौन से बेसिक चीज़ें करनी है उसको स्टार्ट से हम लोग थोड़ा शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो आई होप बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होती हैं मैट्रिसेस। लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैट्रिक्स वर्ड को सुनते ही जो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है या फिर मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस बेसिकली प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। सो मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यानी कि कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। हम लोग एक अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं और उस अरेंजमेंट में क्या है, हम पर्टिकुलर नंबर्स को या फंक्शंस को एक जगह पर अरेंज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या मतलब हो गया इसका, फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक करिए बी। अब ऐसे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने पर्टिकुलर नंबर्स को एक फॉर्मेट में अरेंज कर दिया जहां पर इनकी पोजीशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यानी कि मैं 3 को यहां की जगह यहां पर नहीं लिख सकता हूं, एक्स क्यूब को यहां की जगह यहां पर नहीं लिख सकता हूं, अगर मेरे को ये ऐसे डिफाइंड है। तो क्या हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो होती है एक मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, जो ये नंबर्स और फंक्शंस इसमें हमने एंटर करे इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, क्या होती है मैट्रिक्स, एक अरेंजमेंट और उसके अंदर की सारी एंट्रीज को क्या बोलते हैं, बेसिकली उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, ये एक एंट्री है, सब आपस में एक एक एंट्री है इस मैट्रिक्स की। तो मैं पूछूंगा क्या -1 बी की एंट्री है, यस। क्या 2 बी की एंट्री है, यस। इन एंट्री को हम क्या बोलते हैं, एक और नेम होता है इसका एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन में कहीं मैं दिखा हो एलिमेंट्स एंट्रीज, तो उसका मतलब होता है मैट्रिक्स के अंदर का जितनी भी चीज़ है वो सब कुछ क्या है, उसकी एंट्रीज होती हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस गाइस, लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट इनोवेट किया गया था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, जो मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने में ये हेल्पफुल साबित हुई थी। बट जब हम लोगों ने देखा कि यार इसमें और कुछ बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो हमने पाया कि ये साइंस में बहुत यूज़फुल है और बिजनेस में आपको सेल्स फोरकास्टिंग करना हो, इस तरह के कुछ प्रोसेसेस में मैट्रिसेस का बहुत अच्छा यूज़ पाया गया। ऑल्दो आपको ये सब यूजेस इसमें नहीं पढ़ने हैं चैप्टर में, सिर्फ हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग अपने हायर क्लासेस में अपने अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ेंगे, शायद इन केस यू परस्यू मैथ्स, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई मैट्रिसेस क्या होती हैं और उसके एलिमेंट्स को या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यार अब इसमें मान लो ये एक रिप्रेजेंटेशन है सी बराबर 1+x(x³)3 cos x sin x+2 और 10x। अब इसमें रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई जितना भी हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है, अगर मैं बात करूँ आपसे, जितना भी हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा वो हमारी क्या होंगी, रोज। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज रो 1 ऑफ माय मैट्रिक्स, ये क्या है, रो 2 ऑफ माय मैट्रिक्स। तो दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2। अब कॉलम्स की बात करते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल वाले, ठीक है। दिस इज कॉलम 1, यानी कि 1+x और cos x क्या बना रहे हैं, कॉलम 1। दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इन दो को हम लोग बोलेंगे कॉलम 3, इनको कॉलम 2 और इनको कॉलम 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, भाई जितने भी हॉरिजॉन्टल होती हैं वो कितनी होती है? वो क्या होती हैं, रोज, और जो वर्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम। याद रख सकते हो HR, ह्यूमन रिसोर्स, इससे आप लोग याद रख सकते हो। और VC को आप कैसे याद कर सकते हो, वेंचर कैपिटल। अगर आप लोगों में से कुछ लोग स्टार्टअप्स को लेकर पैशनेट रहते होंगे तो VC उन्होंने सुना होगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आपका मन करे आप वैसे कर लीजिए। मेन मुद्दे की बात यह है, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रोज, और वर्टिकल वालों को कॉलम्स।
तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, D नाम दे देते हैं, C ऑलरेडी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो इसमें हमारे पास ये है आपका रो वन, दिस इज रो टू एंड दिस इज रो थ्री, ये पूरा रो वन, दिस इज रो टू एंड दिस इज रो थ्री. कॉलम्स की बात करूं तो 1, 3, 5 इज योर कॉलम 1, 2, 4, 6 इज योर कॉलम 2. ठीक है, तो अगर मैं डी मैट्रिक्स की बात करता हूं तो इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? देयर आर टोटल 3 रोज एंड 2 कॉलम्स इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. यहां पर आ जाते हैं, ए में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं? 3 रोज 2 कॉलम्स. बी की बात करूं अगर मैं, तो 3 रोज 1, 2, 3 और 3 ही कॉलम्स. तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके कि कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं. लेटर स्टेज में आप देखते ही बता पाओगे कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं. बहुत सिंपल. ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया गाइस. लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको मैं रब कर देता हूं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. अच्छा, ऑर्डर पर भरने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दीज पर्टिकुलर मैट्रिसेस. हमें बताने हैं कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में. तो ये कुछ चुने हुए क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, तो मैंने वो खुद ही उठा लिया. ए पार्ट की अगर हम बात करें, सिंगल एलिमेंट है 2. अब अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं या वर्टिकल की बात करूं, तो एक ही है. तो अगर मैं इसमें देखूं कि मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन कितने होंगे, भाई ये एलिमेंट है, अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टली देखूं ऐसे, तो क्या मेरी एक रो बनती है हॉरिजॉन्टली देखूं तो? अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं ऐसे, तो क्या मेरा एक कॉलम बनता है? सिंगल एलिमेंट. इसका मतलब सिंगल एलिमेंट वाले केस में हमारी एक रो होती है और एक कॉलम होता है, एज सिंपल एज दैट. तो इसमें एक रो है और एक कॉलम है. अगला एग्जाम्पल है हमारा 1, 2, 3. बहुत सिंपल है, कितने रोज हैं आपको हॉरिजॉन्टली काउंट करना है, सिंपल भाई एक ही दिख रहा है मेरे को, तो इसका मतलब इसमें कितने रोज हो गए? एक रो. अब कॉलम कितने हैं? वर्टिकली काउंट कर लो स्टार्टिंग से शुरू करके. ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. अब जरूरी नहीं है कि इस तरह से पूरी की पूरी वो बननी चाहिए कि भाई 1, 2, 3 इस तरह से, तभी इसको कॉलम कहेंगे. भाई सिंगल एलिमेंट है, इट्स ओके, इट्स फाइन फॉर मी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में एक रो है और 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है गाइस, वो थर्ड वाला यही है. ठीक है, तो इसमें बताना है कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं. ओके, तो इसमें कितने रोज हो जाएंगे देख लो हॉरिजॉन्टली. R1, ये आपका R2, ये आपका R3. 3 रोज हैं इसमें, ये रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, ये रो थर्ड. और कॉलम्स कितने हैं देख लो, C1, सिर्फ एक ही कॉलम है. तो लास्ट एग्जाम्पल में 3 रोज 1 कॉलम. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब आपके पास कोई सी भी मैट्रिक्स आए, आई होप कि आपको रोज और कॉलम्स कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लस अगर वो पूछता है थर्ड रो के एलिमेंट कौन से हैं इस मैट्रिक्स के, तो भाई देख लो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो का एलिमेंट 3. वो पूछता है कि इसमें बताओ सेकेंड बी पार्ट में सेकेंड कॉलम के एलिमेंट क्या है, C1, C2, C3. सेकेंड कॉलम का क्या हो गया आपका? 2. ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, नंबर ऑफ रोज पूछ सकता है, नंबर ऑफ कॉलम पूछ सकता है, किस रो का कौन सा एलिमेंट है, किस कॉलम का कौन सा एलिमेंट है वो पूछ सकता है. वो ऐसा भी पूछ सकता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कॉमन एलिमेंट कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल पहले ऑर्डर को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम ई वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं और इस एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था. राइट, सो ऑर्डर क्या होता है, आपको क्लियर हो गया कि भाई मैट्रिक्स क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अगर एक मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, और उस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? m×n. समझो ध्यान से भाई. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी है, ध्यान से समझो. मान लो आपकी कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, 1, 2, 3, ABCXYZ. इसमें आपके कितने रोज हैं? 3. R1, R2, R3. 3 रोज हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये पूरी पूरी आपकी रोज होती हैं. 1, 2, 3 एक रो, ABC सेकंड रो एंड XYZ थर्ड रो. कॉलम्स कितने हैं? C1, C2
C3 भाई, ये पूरा 1AX एक कॉलम, 2BY दूसरा कॉलम और 3CZ तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे डिफाइन करा गया है? ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसको क्रॉस नहीं बोला जाता, मैंने इसलिए बोला ताकि आपको याद हो जाए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 3x3। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑर्डर 9 है, नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिनोट करने का सिंबल है। और ये दिखाता है कि मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, बहुत सिंपल, इस तरह से। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये इसी तरह से प्रेजेंट करना है। उसको मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ए मैट्रिक्स की, तो ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, अब तो आप देख पा रहे होंगे बहुत क्लियरली, और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x2। बी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, 3 रोज 3 कॉलम्स, क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3x3। सी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, 2 रोज 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x3। आई होप आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि मेरे को वो एलिमेंट बताओ जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एग्जिस्ट करता हो बी मैट्रिक्स में। ध्यान से सुनो, सेकंड रो थर्ड कॉलम कैसे निकालोगे भाई, बी का मेरा सेकंड रो कौन सा है, ध्यान से देखो, दिस इज माय सेकंड रो, ये मेरा रो 2 है, और मेरा कॉलम 3 क्या है, ये। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करता हो, कॉमन वाला, दिस विल बी योर आंसर। तो यही मैं समझा रहा था इससे जस्ट पहले कि इनकेस इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी रो कौन से कॉलम का पार्ट है वो, और इजीली निकाल सकते हो। आई होप आपको अभी तक की सारी चीजें क्लियर हो गई गाइस, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे मैट्रिक्स लिखी जाती है और मैट्रिक्स क्या होती है। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने एक जनरल मैट्रिक्स बना ली है यहाँ पर। इन जनरल एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। इससे आपको वैसे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, बस बेसिकली एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है 3x3, तो इसको ना हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके ना सबस्क्रिप्ट में 3x3 छोटा छोटा सा लिख देते हैं। इससे पता क्या पता लगता है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 उसके कॉलम्स हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, कितने रोज होते हैं कितने कॉलम्स होते हैं एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है, ठीक है। अगर ऑर्डर गिवन है मतलब आपको पता है रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में और कॉलम कितने हैं, और अगर एक मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स का नंबर गिवन है तो आपको ऑर्डर पता है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी एक जनरल मैट्रिक्स दी हुई है ए एम एन, तो एम क्रॉस एन को एम एन भी लिख देते हैं जैसे इन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में एम रोज हैं एन कॉलम्स हैं, राइट। तो अब इन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा, ध्यान से समझो, फर्स्ट एलिमेंट को इन्होंने क्या लिखा, अच्छा इन्होंने इसके हर एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ए से दिया, यानी कि स्मॉल ए के नीचे 1 1 जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट है पर्टिकुलर, ये फर्स्ट रो का पार्ट है और फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या ये फर्स्ट रो का पार्ट है, यस, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में फर्स्ट रो। क्या ये फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, यस, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में है फर्स्ट कॉलम का पार्ट है। मूविंग फॉरवर्ड A12, A12 का मतलब, अच्छा नीचे के सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ हो MN, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ रोज बाय मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स, वो तो मैट्रिक्स के केस में, अगर एलिमेंट्स में जनरलाइज कर दिया है और मैंने वो नंबर फाइनल बता दिया है तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस रो और उस कॉलम का पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, फर्स्ट रो का पार्ट है और सेकेंड कॉलम का पार्ट है। मैं इसको और आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देता हूँ। अगर तो पहली बात तो मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें लिखा हो नीचे 2x3, इसका मतलब हो गया कि ये मैट्रिक्स जो ए है इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर इसके अंदर मैं इसको ऐसे लिख दूं AIJ, इस तरह से लिख दूं,
तो ये होता है जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आप जैसे जैसे आई और जे की वैल्यू फीड करोगे वैसे वैसे आपको ए मैट्रिक्स का वो वाला वैल्यू मिलता रहेगा। अब आई और जे का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है रो नंबर और जे का मतलब होता है कॉलम नंबर। यानी कि अगर मुझे ए मैट्रिक्स का वो एलिमेंट निकालना है जो सेकंड रो का पार्ट है और थर्ड कॉलम का पार्ट है, तो मैं आई को क्या भरूंगा? 2 और जे को क्या भरूंगा? 3। और जो मेरा एलिमेंट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? ए 2 3। इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट में अगर कुछ भी लिखा हो तो वो ये दिखाता है कि वो किस रो का पार्ट है और किस कॉलम का पार्ट है। यानी कि जिस रो कॉलम इंटरसेक्शन में वो पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोगों ने लिया है वो एलिमेंट उसी पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब एक बार इसमें देखो, ए एम एन, ये जनरल मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या करा, ध्यान से देखो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, मान लो ये वाला उठा लेते हैं A23 का मतलब ये हो गया कि वो सेकंड रो का पार्ट है, थर्ड कॉलम का पार्ट है। ध्यान से देखो, क्या ये सेकंड रो का पार्ट है? यस, फर्स्ट रो ये आपकी ऊपर वाली A11 से A1n तक और सेकंड वाली A21 से A2n तक, ये सेकंड रो। क्या ये थर्ड कॉलम का पार्ट है? यस, A11 से AM1 फर्स्ट कॉलम, A12 से AM2 सेकंड कॉलम, A13 से AM3 थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम सेकंड रो A23। तो ये रिप्रेजेंट करता है। अगर मैट्रिक्स के केस में ये लिखा हुआ है तो वो ये दिखाएगा कि कितनी रोज हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, और अगर उसके एलिमेंट में कोई सबस्क्रिप्ट इस तरह से लिखा हुआ है तो वो दिखाता है कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन यार हम लोगों ने रखे हुए हैं, बहुत ईजी है। ऑर्डर बताना है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर क्या होता है? रोज बाय कॉलम। फर्स्ट वाले ए पार्ट में देखो, दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, एक्स वाई रो 1, 2z और w रो 2। सिमिलरली कॉलम्स की बात करें तो x और 2z कॉलम 1, y और z कॉलम 2, दो रोज दो कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 by 2। कैसे लिखेंगे? 2 cross 2, पर वो मल्टीप्लाई नहीं है मैट्रिक्स के केस में, वो रिप्रेजेंटेशन है। बी पार्ट की बात करूं तो अब मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, बहुत क्लियर हो चुका होगा अब तक। दो रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 cross 3। सी पार्ट की बात करूं तो W, ये वाला केस हम कर चुके हैं, ये एक रो है और एक कॉलम है, हॉरिजॉन्टली देखो एक, वर्टिकली देखो एक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 by 1। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन गाइस, ये फिलहाल के लिए अभी हम स्किप करते हैं, वैसे है कुछ नहीं इसमें, ये गुड क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको हम दोबारा देख लेंगे। PNC का थोड़ा सा यूज होता है इसमें, गुड क्वेश्चन है, NCERT में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ जनरल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका जनरल एलिमेंट ए आई जे से डिफाइंड है, तो इसका क्या मतलब है? आई का मतलब है कंसर्न्ड रो नंबर और जे का मतलब है कंसर्न्ड कॉलम नंबर। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए 2 3 लिखा है, इसका मतलब वो एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से एक ही एलिमेंट आता है हमेशा, इसलिए ये यूनिक होता है। भाई अगर आपने आई और जे फिक्स कर दिया तो वो एलिमेंट फिक्स हो गया। अगर आपने ए 3 3 कर दिया, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट बैठा है वो है। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से क्या क्लियर हो रहा है? ए मेरी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को मैंने एक जनरल फंक्शन से डिफाइन कर दिया ए आई जे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मतलब उसके एलिमेंट्स, और उसके एलिमेंट्स की जनरल डेफिनेशन मैंने लिख दी। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे एम क्रॉस एन का मतलब क्या हो गया? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अगर ए एम क्रॉस एन लिखो या फिर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नीचे एम क्रॉस एन लिखो, एक ही बात है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? इफ ए इज दिस, वन सेकेंड, इफ ए इज दिस, फाइंड आउट द ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो चलो ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। अगर ए ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर बताओ। ऑर्डर कैसे बताओगे? रोज देखोगे कितनी है, कॉलम्स देखोगे कितनी है, और ऑर्डर लिख दोगे।
भाई रोज कितनी है, 1, 2, 3, तीन रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3 इज माई आंसर, ये आपका ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जब कभी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो उसकी रोज, नंबर ऑफ रोज को उसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर उसके ऑर्डर को एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका क्या मतलब हो गया, अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 3 × 3 ऑर्डर है, बट अगर एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दोगे 9, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको वेरीफाई करना है तो आप गिन भी सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है, कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, रोज और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो जितना जितना नंबर है, या फिर ऑर्डर को एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दो, आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्मॉल ए 2, 3। अब ये एलिमेंट की बात कर रहा है, स्मॉल ए 2, 3 का क्या मतलब हो गया, वो एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का पार्ट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या ये कॉमन एलिमेंट है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए 2, 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए 3, 1 की, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का क्या मतलब हो गया, ये मेरा रो 3 और ये मेरा कॉलम फर्स्ट, तो क्या ये वाला एलिमेंट मेरा ए 3, 1 हो जाएगा, तो ए 3, 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट इज ए 1, 3। अब बिना लिखे कोशिश करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सबसे ऊपर, थर्ड कॉलम सबसे लास्ट वाला, तो क्या x वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पर मिल रहा है, hence x is the answer। तो इस तरह से आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को निकाल सकते हो, अगर मैट्रिक्स गिवन हो उसका ऑर्डर निकाल सकते हो, टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हो, और किस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो अगर पूछे कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट की इस रो इस कॉलम नंबर पर अवेलेबिलिटी है, तो वो आप भी बता सकते हो। जैसे ए 1, 3 उसने पूछा था, यू कैन ईजिली टेल फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट है वो आंसर हो। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें गाइज बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, ए 2, 2 + b 2, 1 बताना है, स्मॉल ए इसके एलिमेंट्स हैं और स्मॉल बी इसके एलिमेंट्स हैं। ए 2, 2 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 इज माई ए 2, 2। बी 2, 1 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द कॉमन एलिमेंट, और यहाँ क्या है ए 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज द कॉमन एलिमेंट, दोनों को ऐड करना है, 4 + -3, 1 इज माई आंसर, वेरी सिंपल। अब इस तरह के वो 1000 सवाल पूछ सकता है, घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। आगे देखो, ये सब मैं सॉल्व नहीं करने वाला, राइट द एलिमेंट ए 2, 3 ऑफ 3×3 मैट्रिक्स, जहां पर उसका एलिमेंट ऐसे डिफाइंड है। भाई ए 2, 3 निकालना है आपको, 3×3 का मैट्रिक्स है, तो कैसे कर सकते हो, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, ए आई जे अगर ये है आपका ए आई जे, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ, ए आई जे है मॉड ऑफ आई माइनस जे बाय 2, ठीक है, तो आपका ए आई जे है मॉड ऑफ आई माइनस जे बाय 2। मान लो कि जो मैट्रिक्स ए है वो 3×3 की है, मान लो उसने पूछा ए 2, 3 फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने ए 2, 3 पूछा, इसका मतलब आई को 2 रखो और जे को 3 रखो, तो इसका मतलब आई क्या हो जाएगा, 2 − j क्या, 3/2, इसका मतलब मोड ऑफ -1/2, मोड में सब पॉजिटिव हो जाता है जो अंदर का जितना भी चीजें हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/2 इज माई आंसर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, आई और जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, भाई अगर ए 3×3 है तो क्या आई 4 हो सकता है, सोच के देखो, नहीं हो सकता, ध्यान से समझो क्यों, भाई कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब जब आपके नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर एलिमेंट का रो नंबर 3 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर ऑफ रोज से ज्यादा बड़ा थोड़ी हो जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3×3 की मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम इसमें है। अब अगर हम देखें इसमें, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे को बताओ, मान लो ये कैपिटल ए मैट्रिक्स है और मैं आपसे पूछूं मेरे को बताओ ए 5, 1 क्या होगा इसका,
तो भाई आपको छूटते ही कहना है सर आपका क्वेश्चन गलत है, A51 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप यहाँ पर लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? A51 का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स की फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, भाई इसमें तो रोज ही तीन है। इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी अगर मैं एक मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं विच इज m क्रॉस n, और अगर मैं उसकी के एलिमेंट्स की बात करूं i j, तो कभी भी i जो है वो ग्रेटर देन m नहीं हो सकता और j जो है वो ग्रेटर देन n नहीं हो सकता। आई होप रीजन क्लियर है, बिकॉज जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो वो टोटल नंबर ऑफ रोज से बड़े वाली रो में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, मैट्रिक्स में वो चीज़ है ही नहीं, और इसमें फिफ्थ कॉलम है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो A14 हो, भाई A14 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलो फर्स्ट रो तो आप ढूंढ लोगे, फोर्थ कॉलम कहाँ से रहोगे? तीन ही कॉलम है C1, C2, C3, चौथा कॉलम ही नहीं है तो एलिमेंट तो कहाँ से आएगा? इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछ जाए तो सिंपल सी बात है भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप गाइज आपको सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया है। ठीक है, लेट्स मूव बैक टू अवर क्वेश्चंस। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया, इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स वेयर aij इज दिस। अब आपको पूरी की पूरी मैट्रिक्स बनानी है। भाई आपको पता है दो रोज हैं दो कॉलम्स, राइट? दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज दो होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दो होने वाले। तो आप पूरी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? इसका आपको जनरल एलिमेंट कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ? पहले तो दो रोज और दो कॉलम्स हैं, इसका मतलब इस तरह से कुछ मैट्रिक्स होगी, दो रोज दो कॉलम्स, राइट? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट द आंसर। इस तरह से चार एलिमेंट्स आ सकते हैं, राइट? तो अब अगर हम इसमें देखें, आपको पता लग गया कि टोटल चार एलिमेंट्स आने वाले हैं। आप इसको ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे। तो अगर मैं जनरलाइज्ड एलिमेंट लिखूं, जनरलाइज्ड एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट लिखना हो तो, और इसका जनरल वर्जन क्या होगा, स्मॉल ए ऑफ कोर्स होने वाला है बिकॉज उसने स्मॉल से डिफाइन करा है। ये कौन सा रो नंबर होगा? फर्स्ट रो, राइट? बिकॉज दिस इज रो वन, दिस इज रो टू, दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो पार्ट है दिस, तो ये हो जाएगा A11। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, दिस इज A12। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। वही लास्ट वाला क्या हो जाएगा, A22, विच मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसमें आपको चारों एलिमेंट्स पता चल चुके हैं एक जनरल मैट्रिक्स के, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपको A11, A12, A21 और A22 ढूंढने हैं। अब जब आपको ये इक्वेशन पता है, जैसे हमने अभी A23 निकाला था, क्या आप चारों एलिमेंट इसी तरह से निकाल सकते हो, A11, A12, A21 और A22, चारों में ऐसे ही फिल कर करके 1-1/2, A11 जीरो हो गया, A12 क्या हो जाएगा 1-2/2 हाफ, A21 क्या हो जाएगा अगेन हाफ, और A22 क्या हो जाएगा जीरो। तो आपकी जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, अच्छा मैंने ओरली कर दिया, आपको पेपर में ये सॉल्व कर करके दिखाना है, A11 कैलकुलेट करो, A21 कैलकुलेट करो, इस तरह से सारे कैलकुलेट करो, फिर लास्ट में लिखो कि सिंस दिस इज द जनरल मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसमें चार एलिमेंट्स होने चाहिए और जनरल मैट्रिक्स ऐसी दिखनी चाहिए, A11 ये सब मैं निकाल चुका हूँ, वो फिल कर दो वैल्यू, आपको नंबर मिल जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह के भी आपको आपके बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई दोज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, पर इसमें ऑर्डर डिफरेंट है, 2x3, तो ये इंटरेस्टिंग है, आप अपने एंड पर ट्राई करना गाइस, और इन केस आपको इशू आता है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ठीक है? उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर योर प्रैक्टिस, ये आप लोग एक बार ट्राई करो, और इन केस आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन लेट मी नो, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, क्या क्या होते हैं ऑर्डर, रोज, कॉलम्स, एलिमेंट्स, मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए। इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, और स्टिल अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो लेट अस नो इन द
कॉमेंट सेक्शन. होप टू सी यू ऑल अगेन गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस. अभी के लिए इतना ही. टेक केयर. गुड बाय.